जीते रहो बेटे, जीते रहो। अब वैसे अंकल आइए ना, आपसे आज मेरे को बहुत सारी बातें करनी, पापा के बारे में बहुत कुछ पूछना। आइए। अरे बैठिए ना अंकल, शर्माइए मत। तो अंकल, मेरे पापा के साथ तो आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी ना, बहुत अच्छी तरह जानते होंगे ना आप पापा को। तो बताइए ना अंकल, मेरे पापा कैसे थे? बहुत बड़ा गधा था वो, जो अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर चला गया। अंकल आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरे पापा के बारे में? जीना मरना किसी के हाथ में थोड़ी ना। भगवान जी ने इतनी जल्दी मेरे पापा को ऊपर बुला लिया तो उसमें मेरे पापा की गलती थोड़ी ना, सब भगवान जी की गलती। नहीं तो मेरे पापा मुझे और दी को छोड़ के कभी भी नहीं जाते। बीजी कहती है वो हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। सच में आकर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप मेरे पापा के दोस्त हैं। तभी मैं अब समझ पा रही हूँ कि कैसे आपको देखते मैं आपकी तरफ खींचती थी, क्यों मुझे आपसे बातें करना, आपसे मिलना अच्छा लगता है, क्यों आपको देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे अगर आज पापा होते बिल्कुल आप जैसे होते। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहना। अंकल आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? खुशी के आंसू है बेटे, वो इतने सालों के बाद अपने दोस्त के परिवार से मिला ना। महेश और मैं बिल्कुल भाई जैसे थे। पुरानी यादें ताजा हो गई बेटे। ओ, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई, आज आप अपनी फैमिली से मिलने वाले थे ना, क्या हुआ? सारे गिले शिकवे दूर हो गए, माफ कर दिया उन्होंने आपको? मेरे परिवार ने मुझे माफ नहीं किया बेटे, लेकिन मैं बहुत खुश हूं आज मैं अपनी बेटी से मिला। मैं जानती हूं और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम इतनी चुपचाप क्यों, कुछ बोलो, मुस्कुराओ डार्लिंग, मुस्कुराओ। ये क्या, तुम्हारी मांग सुनिए, एक सुहागन की मांग में सिंदूर नहीं, बड़ी ज्यादती है। भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा पति दिया और तुम विधवाओं की जिंदगी जी रही हो। अभी तक जिंदा हूं मैं, मरा नहीं हूं। बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी, वो देखो आओ यहां सिंदूर, सुहागन की निशानी। अब मैं खुद अपने हाथों से ये सिंदूर तुम्हारी मांग में सजाऊंगा, तब तुम लगोगी प्यारी सी दुल्हन,
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडली काक्षाय मंगलम तनोहरि। सॉरी जी विका जी, वो मुझसे सिंदूर की डिबिया गिर गई। कोई बात नहीं विधि, मैं सुंदर से कह के साफ करवा दूंगी। ये देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाई, चाय और बिस्किट। बहुत बातें हो गई ना, भूख तो लगी ही होगी। नहीं जी विका जी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। हर्षद, लगता है तुम्हारे सामने शर्म आ रही है विधि, काफी शर्मीली है ये। हाँ बहुत शर्मीली है और बहुत गुमसुम भी रहती है, लेकिन आपकी और वीरेन की बहुत इज्जत करती है, बहुत प्यार करती है आप लोगों से, है ना विधि? कौन विधि, जिनकी आप इज्जत करते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, उनको ऐसे मना नहीं करते, उनकी चीजों को ठुकराते नहीं। हेलो, अरे वाह, पहली मुलाकात में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है मैं देख रही हूँ। हर्षद, अब गाड़ी रुकने मत देना। बिल्कुल नहीं रुकेगी भाभी, चलती रहेगी, बस आप देखते जाइए। मंजिल तो मैं पाके रहूंगा। ये पेंटिंग देख रहे हो, बचपन में ना क्लास में हमारी टीचर ने हम सब बच्चों को एक पेंटिंग बनाने को बोला, जिसमें हम अपने मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर घूमने गए। मैं तो अपने पापा के साथ कभी बाहर घूमी नहीं थी, क्योंकि जब बाहर घूमने का टाइम आया तो भगवान जी ने उन्हें ऊपर बुला दिया। पर फिर मैंने इमेजिन किया और इमेजिन करके ये स्केच बना दी। आगे भी ये देखिए ना, ये देख रहे, ये वो चोटी वाला फेमस मिठाई वाला ना, मुझे इतना शौक था ना उसकी मिठाइयाँ खाने का, तो बस मैंने वो भी इमेजिन किया और ये पेंटिंग बना दी। ये झूला है ना अंकल, ये भी मेरे पापा की निशानी है, जब मैं पैदा हुई थी ना तब खरीद कर लाया था वो ये झूला। क्यूट है ना? मानवी, मानवी, गुड़िया बेटी, क्यों रो रहे हो बेटा? अच्छा पापा के पास आना है? आज, आज, आज। तू नहीं रोते ना, क्वाइट, क्वाइट। पापा के लिए रो रहा था? अरे पापा तो आ गए, मानवी के पापा आ गए। अंकल, कहाँ को गए आप? नहीं बेटे, तुम क्या कह रही थी? कल आप फिर इमोशनल हो गए, लगता है आपको अपनी बेटी की याद आ रही है ना? तो क्या हुआ अंकल, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूं ना, और आप बिल्कुल मेरे पापा जैसे। काश मैं तुम्हें बता पाता बेटे कि तुम मेरी बेटी जैसी नहीं मेरी बेटी हो, और मैं तुम्हारे पापा जैसा नहीं तुम्हारा पापा ही हूँ। पर मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि ये सच बताने का हक मैं आज खो चुका हूँ।
थे विधि तुम? अरे मैं किचन का काम खत्म करते ही तुम्हारे पास आने वाली थी। आओ ना अंदर आ जाओ। विधि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी ना? हर्षद आ गया तुम कह नहीं पाई, बोलो ना क्या कहना चाह रही थी? जीविका जी मैं आपको हर्षद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अरे वाह हर्षद तुम्हें पसंद आ गया, यही कहना चाहती हो ना तुम? नहीं जीविका जी वो एक्चुअली लगता है किसी ने मुझे याद किया। हर्षद क्या टाइमिंग है, हर्षद का नाम लिया और हर्षद हासिर। 100 साल जियोगे तुम। क्या बात है विधि, विवेका भाभी से मेरे बारे में कुछ कहने वाली थी तुम? मेरी शिकायत तो नहीं करने वाली थी? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया मैंने आपके साथ? बताओ जो भी है शर्माओ मत, खुलकर बताओ। हाँ हाँ विधि बोलो क्या कह रही थी तुम? जीविका जी मैं बताना चाहती थी कि हर्षद जब एक शादीशुदा लड़की किसी की सरोगेट बनती है तो उसके पति को एक डॉक्यूमेंट साइन करना होता है ताकि वो बच्चे के पैदा होने के बाद उस पर हक न जता सके। लेकिन तूने तो इन लोगों को कहा है कि तू शादीशुदा है ही नहीं, तो अब अगर मैं चाहूँ तो इस बच्चे पे अपना हक जता सकता हूँ और इसे वीरेन जी और जीविका जी से बहुत दूर ले जा सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हर्षद से मिलकर अच्छा लगा। अच्छा मैं चलूंगा, इजाजत दीजिए। अंकल ऐसे कैसे इजाजत देते, पापा के आप खास फ्रेंड हो और इतने सालों बाद इस घर में आए, तो फिर बिना खाना खाए तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्यों बड़ी बीजी? हमारे घर का रिवाज है कि घर आए मेहमान को खाना खाने बिना जाने नहीं देते। ए पिंकी जाके खाना बना। जी अभी बनाती हूँ। अरे काम कर, तू हलवाई के पास जा और मिठाई लेके आ। और सुन जलेबी भूलना नहीं है, उसे जलेबी बहुत पसंद है। बड़ी बीजी, बड़ी बीजी आपको मोंटी अंकल की पसंद और नापसंद के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? अरे महेश का खास दोस्त है वो, बचपन में अक्सर आया करता था, तो मुझे इतना तो मालूम होगा ही ना कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। ठीक है मैं जल्दी से जाके गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आती हूँ। गर्म गर्म जलेबी अभी आके ना दीजिए। बड़ी भेजे आपको तो सब कुछ याद है बड़े बीजी। थैंक यू बड़े बीजी। अपना ख्याल रखिएगा। बीजी मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूं, बीजी मुझसे नफरत करने का आपको पूरा हक है,
सच पीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीजिए, मैंने इतने पाप किए पीजिए, इसके बावजूद आपने मेरी बच्चियों के दिल में मेरे लिए नफरत नहीं भरी। यही वजह है कि वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे उतनी ही इज्जत देती है जितनी एक आदर्श पिता को मिलनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि बच्चों के दिल में तुम्हारी छवि बनी रहे, तो आज के बाद इस चौकर पर वापस कभी मत आना, और मानवी से भी मिलने की कोशिश मत करना। पता मॉन्टी अंकल, आपके आने की खुशी में बीजी ने क्या खाना बनाया, शाही दाल। ओए 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 ओए, मानवी जरा मेरी भी थोड़ी सी तारीफ कर देना, मैंने भी बीजी की हेल्प करी थी किचन में, कमर दर्द के बावजूद भी। हाँ नहीं तो अरे खाने का स्वाद तो तेरी सास ने ही डाला है ना, इतने प्यार से मोंटी के लिए खाना बनाया है। मोंटी अंकल, बीजी के हाथ के खाने में ना एक अलग ही बात होती है, मतलब उनके खाने में स्वाद के साथ साथ ना आशीर्वाद भी होता है कि नहीं बीजी? खाना तो हो गया और मैं जलेबी लाना भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। देख महेश जी, मैं मानवी को अच्छी तरह जानती हूँ, अगर से हल्का सा भी शक हो गया ना कि वो तेरी औलाद है, तो इस बात को जरूर खरीदेगी, इसलिए तू उसे कभी मत बताना कि तू उसका पिता है। तुझे मानवी की कसम। ठीक है बीजी, मैं वादा करता हूं अपने जीते जी ये बात उसे कभी नहीं बताऊंगा। ये रही गर्मा गर्म जलेबियां आपके लिए। आपको पता है मेरे पापा की बिना फेवरेट थी इमरती। लीजिए। विरेन, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते तुम? क्या बात है अंकल? ये इतने इंपॉर्टेंट क्लॉज में तुम्हारे सिग्नेचर है ही नहीं, आगे चलकर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सब कुछ हम अपने जेब से देंगे। सो सॉरी, मैं अभी कर देता हूं। विरेन, इस तरह की गलती तुमसे पहली बार हुई है, जान सकता हूं कारण क्या है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वर्क का स्ट्रेस है और कुछ नहीं। मैं समझ सकता हूं, अभी चार चार केस एक साथ तुम हैंडल कर रहे हो, दबाव तो होगा लेकिन सावधानी भी रखनी चाहिए, आगे चलकर अगर ऐसी गलती होगी तो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। वीरेन, वो विधि के जो सरोगेसी के कागजात थे वो फाइनल करने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लिया था ना? ऑफ कोर्स अंकल, वो सही तरह से जांच करके साइन किए थे। चलो ये तो अच्छा हो गया कि विधि की शादी नहीं हुई, अगर विधि की शादी हो जाती तो उस कागजात पर विधि के साथ साथ उसके पति के भी सिग्नेचर लेने पड़ते और फिर कानूनन विधि तुम्हारे बच्चे की सरोगेट बन सकती थी। चलो वो मुद्दा तो अभी उठता ही नहीं है क्योंकि विधि की शादी नहीं हुई। विरेन, नेक्स्ट टाइम नो लापरवाही। चलो ये तो अच्छा हो गया कि विधि की शादी नहीं हुई, अगर विधि की शादी हो जाती तो उस कागजात पर विधि के साथ साथ उसके पति के भी सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। बताओ विधि, तुम शादी क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। वो अगर यहाँ आ गया और
उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है वो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।